दो काली बहुएं। पुष्पा जी के दो बेटे हैं। बड़े बेटे विनोद की शादी विनीता से हो जाती है, लेकिन विनीता बहुत काली है, इसलिए पुष्पा को अपनी बहू बिल्कुल पसंद नहीं। वो अपने छोटे बेटे संजय के लिए सुंदर और गोरी बहू लाना चाहती थी। माँ जी, ये आपकी चाय। बहू, कितने बार कहा है तुझसे, सुबह सुबह अपनी काली शक्ल लेकर मेरे सामने मत आया कर। जब भी तू सुबह सुबह मेरे सामने आती है, मेरा सारा दिन खराब हो जाता है। माँ जी, मैं तो बस आपको चाय देने आई थी। अरे नहीं चाहिए मुझे तेरी चाय, बस तू ना मेरे सामने मत आया कर। और एक बात ध्यान से सुन, आज संजय को देखने लड़की वाले आ रहे हैं। मैंने उसके लिए बहुत सुंदर और गोरी लड़की ढूंढी है, तू अपना मनहूस चेहरा लेकर उनके सामने मत आना। पुष्पा ने अपने छोटे बेटे के लिए बहुत सारे सपने संजो रखे थे, लेकिन उसके बेटे ने उसके सारे सपनों पर पानी फेर दिया और वो अपनी पसंद की लड़की मीनाक्षी से शादी करके घर आ गया। पुष्पा ने उन्हें देखा तो कहने लगी, अरे ये क्या किया तूने, मैं तो तेरे लिए चांद जैसी बहू ढूंढ रही थी, तू तो साक्षात अमावस की रात को ही घर पर ले आया। कैसे बर्दाश्त करूंगी, मेरी दो दो बहुएं और दोनों काली। माँ ये क्या कह रही हो, आपको तो हमें आशीर्वाद देना चाहिए और आप मेरी पत्नी के रंग को लेकर ताने मार रही हो। मैंने इस तरह आपको बिना बताए शादी कर ली, आपको इस बात से परेशानी है या फिर मीनाक्षी काली है आपको इस बात से परेशानी है? तूने अपनी मर्जी से शादी कर ली, अरे कम से कम बहू तो गोरी ले आता, लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे कि पुष्पा की दो दो बहुएं हैं और दोनों काली की काली। पुष्पा ये बोलकर वहां से चली जाती है। विनीता मीनाक्षी का स्वागत करते हुए कहती है, आओ बहन तुम अंदर आओ, और माँ जी की बात का ना बुरा मत मानना, उनका स्वभाव थोड़ा ऐसा ही है। तभी वहां विनोद आ जाता है। संजय तुम यकीन मानो, मैं और विनीता तुम्हारी शादी से बहुत खुश है, लेकिन तुम्हें इतना बड़ा फैसला अचानक नहीं लेना चाहिए था, एक बार माँ को बता ही देते कि तुम शादी कर रहे हो। भैया आप ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं मीनाक्षी से बहुत प्यार करता हूँ, माँ हमेशा काले रंग की वजह से भाभी को ताने देती रहती है, इसलिए मुझे पता था कि माँ मीनाक्षी को कभी भी अपनी बहू के रूप में स्वीकार नहीं करेंगी, इसलिए मैंने मंदिर में शादी कर ली। अब जिठानी और देवरानी दोनों प्यार से रहने लगी, लेकिन ये बात पुष्पा को बहुत खटक रही थी। वो अपनी दोनों बहुओं से छुटकारा पाना चाहती है, इसलिए उन्हें घर से निकालने के लिए षड्यंत्र रच रही है। ये मेरी काली बहू है, इतनी आसानी से तो घर से निकलेंगी नहीं, मुझे ही इन दोनों को घर से निकालने के लिए कुछ करना पड़ेगा। अब मैं इन दोनों का जीना हराम कर दूंगी। बस फिर क्या था, पड़ गई पुष्पा अपनी दोनों बहुओं के पीछे। वो अपनी बहुओं पर बहुत अत्याचार करने लगी। छोटी बहू, बड़ी बहू, जल्दी बाहर आओ। दोनों बहुएं बाहर आती हैं तो उनकी सास कहती है, मैं घर में पेंट करवाना चाहती हूँ और तुम ही दोनों मिलकर सारे घर में वाइट वॉश करोगी। माँ जी, लेकिन इतना बड़ा घर हम दोनों कैसे पेंट करेंगे, और हमें तो ये काम आता भी नहीं है। लेकिन पुष्पा दोनों बहुओं की एक नहीं सुनती और पूरा घर उन दोनों से ही पेंट करवाती है। दोनों बहुएं पेंट करने में लग जाती हैं। दोनों की दोनों एक नंबर की कामचोर है। तुम दोनों के पास सिर्फ 3 दिन का समय है, अगर 3 दिन में तुम दोनों ने घर नहीं संभाला तो फिर मैं तुम दोनों के साथ क्या करूंगी ये मैं खुद भी नहीं जानती। अब मीनाक्षी और विनीता दिन रात काम करती है और 3 दिन में घर का नक्शा ही बदल देती है, लेकिन फिर भी उनकी सास तो उन्हें ताने मारती है। इतने दिन खराब कर दिए लेकिन फिर भी इन दोनों ने कोई काम ढंग से नहीं किया, अरे इससे अच्छा तो पहले ही पेंट वाला बुला लेती मैं। पुष्पा वहां से चली जाती है और मीनाक्षी कहती है, विनीता दीदी आपने हिटलर का नाम सुना है? हाँ सुना तो है। उसे देखा है कभी? नहीं तो क्यों? माँ जी को देख लो ना, किसी हिटलर से कम नहीं है। एक दिन मीनाक्षी सफाई कर रही थी तभी उसके हाथ से कांच की कटोरी गिरकर टूट गई। पुष्पा वहां आकर गुस्से से कहती है, अरे आप क्या तोड़ दिया, तुझे मेरा दिल तोड़कर सब्र नहीं आया जो अब मेरे घर का एक एक करके सामान भी तोड़ रही है। तूने अपने मायके में भी देखी है इतनी महंगी चीजें,
एक तो तू काली, ऊपर से कंगाल घर की। माँ जी, मेरे घर वालों को कुछ मत कहिए। जुबान लड़ाती है मुझसे, अभी बताती हूँ तुझे। पुष्पा मीनाक्षी को पीटना शुरू कर देती है। तभी विनीता मीनाक्षी को आकर बचाती है और उसे अपने साथ ले जाती है। दीदी, मैंने तो माँ जी से कुछ नहीं कहा था, उन्होंने फिर भी मुझे मारा। मैं जानती हूँ मीनाक्षी, मैंने सब सुना था। ऐसे ही एक दिन विनीता खाना बना रही होती है, तभी उससे एक रोटी जल जाती है। जली हुई रोटी उसकी सास देख लेती है और कहती है, अरे कलमुही, तुझे आज तक रोटी पकाना नहीं आया। जैसे खुद काली है वैसे रोटी भी काली कर देती है, अभी तुझे रोटी बनाना सिखाती हूँ। पुष्पा विनीता का हाथ पकड़कर गरम गरम तवे पर रख देती है। उसका हाथ जल जाता है। उसकी चीख सुनकर मीनाक्षी दौड़कर किचन में आती है और विनीता को अपनी सास के अत्याचार से बचाती है। दीदी, माँ जी ने हाथ कर दी है, अब तो इस घर में रहना मुश्किल होता जा रहा है। वो दोनों बात कर ही रही थी कि तभी मीनाक्षी के मामा जी उनके घर आते हैं। वो विनीता का हाथ जलने का कारण पूछते हैं। दोनों मामा जी को सारी बात बताती है। ये सुनने के बाद मामा जी कहते हैं, तुम दोनों की बात से तो लग रहा है कि तुम्हारी सास बहुत पुराने ख्यालों की और बहुत बहुत खतरनाक महिला है। अगर तुम दोनों ये सोच रही हो कि तुम्हारी सास सुधर जाएगी तो ये तुम्हारी गलती है। वो जैसी है वैसी ही हमेशा रहेगी। तुम दोनों को अपना हक छीनना होगा और अपनी सास को सबक सिखाना होगा। मीनाक्षी के मामा की बात दोनों को समझ में आ जाती है। अब दोनों अपनी सास को ठीक करने का बंदोबस्त करती हैं। और एक दिन संजय और विनोद दो लड़कियों को घर ले आते हैं। माँ, हम दोनों भाइयों ने दूसरी शादी कर ली, ये दोनों गोरी और सुंदर लड़कियाँ अब आपकी नई बहुएं हैं। हाँ माँ, हम विनीता और मीनाक्षी को अभी घर से निकाल देते हैं। विनोद और संजय अपनी पत्नियों को अलग घर खरीद कर दे देते हैं और ज्यादा से ज्यादा समय उनके साथ ही बिताते हैं। वहाँ दूसरी तरफ पुष्पा अपनी दोनों बहुओं के साथ रहती है। तो दोनों गोरी बहुएं पुष्पा के साथ वही करती है जो उसने अपनी काली बहुओं के साथ किया था। बहू, तुमने मेरे लिए चाय नहीं बनाई। माँ जी, मुझे लगा आप मुझे चाय बना कर दोगी। हाँ माँ जी, मुझे नाश्ता भी बना देना। ये क्या कह रही हो बहू, बुढ़ापे में मैं तुम दोनों के काम करूँ? दोनों चुपचाप काम में लग जाओ, नहीं तो होश ठिकाने लगा दूंगी। माँ जी, हमें अपनी पुरानी बहुओं की तरह मत समझ लेना कि आपके हाथों से मार खाकर घर से निकल जाएंगी। ए बुढ़िया, चुपचाप लाती है नाश्ता बनाकर या बताऊं अभी? है तुम दोनों मुझसे किस तरह से बात कर रही हो? आने दो मेरे बेटों को, तुम्हारी ये हरकत मैं अपने बेटों को बताऊंगी। पुष्पा अपने बेटों से गोरी बहुओं की शिकायत करती है तो संजय कहता है, माँ आपको काली बहुओं से नफरत थी, हम गोरी बहुएं ले आए, तो अब उन दोनों से क्या परेशानी है आपको? माँ, ये दोनों जैसी भी हैं आपको उन्हीं के साथ रहना होगा, अब हम तीसरी शादी तो नहीं कर सकते ना। पुष्पा के दोनों बेटे उसकी एक नहीं सुनते और दोनों गोरी बहुएं अब अपनी सास पर अत्याचार करती हैं। वो दोनों सारा काम पुष्पा से कराती और काम बिगड़ जाता तो उस पर हाथ भी उठाती। इसके अलावा एक बार जिस तरह पुष्पा ने अपनी बहुओं के हाथ जलाए थे, उसी तरह उसकी नई बहुओं ने पुष्पा का हाथ भी जला दिया। अब पुष्पा अपना हाथ पकड़कर रो रही थी। हे ऊपर वाले, ये कैसी बहुएं दी है तूने मुझे, ऊपर से गोरी अंदर से काली। मेरी पहली वाली दोनों बहुएं कितनी अच्छी थी, मेरा कितना ख्याल रखती थी, लेकिन ये दोनों तो मुझसे सारा काम कराती है और मेरे सर पर चढ़कर नाचती है। पुष्पा को अपनी गलती का एहसास तो हो गया था। वो अपने दोनों बेटों से माफी मांगती हुई कहती है, विनोद बेटा, संजय बेटा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ और अपनी बहुओं के साथ अच्छा नहीं किया, पर बेटा तुम विनीता और मीनाक्षी को ले आओ और इन दोनों चुड़ैलों को यहाँ से भगा दो। दोनों बेटे पहले तो मना करते हैं, लेकिन बाद में उन्हें अपनी माँ की हालत पर दया आ जाती है और मीनाक्षी और विनीता को घर ले आते हैं। पुष्पा उन दोनों से माफी मांगती है। एक दिन विनीता मीनाक्षी से कहती है, मीनाक्षी चलो माँ को तो अकल आ गई, काले गोरे से कुछ नहीं होता, दिल अच्छा होना चाहिए। हाँ दीदी, लेकिन माँ जी को ये कभी पता नहीं चलना चाहिए कि उनकी नई बहुएं हम दोनों की सहेलियाँ थी। हाँ मीनाक्षी, अगर माँ को पता चल गया कि हमने अपने पतियों और अपनी सहेलियों की मदद से उनको सबक सिखाने के लिए ऐसा किया था तो न जाने क्या होगा।
उन दोनों की बातें पुष्पा सुन लेती है। तुम दोनों को शर्म नहीं आई मेरे साथ ऐसा खेल खेलते हुए? और मेरे नालायक बेटे भी इसमें शामिल थे। दोनों बहुएं हैरान हो जाती हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि वो अब क्या करें। तभी पुष्पा दोबारा कहती है, पर तुम दोनों ने जो किया सही किया। मैंने सच में तुम दोनों पर अत्याचार किए थे, मुझे माफ कर दो। अब सास की बात सुनकर दोनों बहुओं की जान में जान आती है। मीनाक्षी विनीता से धीरे से कहती है, दीदी लगता है माँ जी सच में सुधर गई।